मल्टीवेरिएट एनालिसिस पे क्वेश्चन है जिसमें विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट लिया हुआ है और कहता क्या है कि वेक्टर एक्स जो फॉलोज करता है एन ऑफ जीरो सिग्मा को, वेयर सिग्मा एक पॉजिटिव डिफिनेट मैट्रिक्स है एंड ए इज एन एडम्पोटेंट मैट्रिक्स। पॉजिटिव डिफिनेट मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, सारे डायगोनल एंट्रीज क्या है आपके पॉजिटिव है एंड एडम्पोटेंट मैट्रिक्स का मीनिंग होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो उसका स्क्वायर क्या बनेगा, वही मैट्रिक्स बनेगा। अब क्या कहता है कि ए एक एन एडम्पोटेंट मैट्रिक्स है जिसकी रैंक के है और लेस देन पी है, लेट जेड को इस तरह से डिनोट किया गया है विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन की तरह, तो मीन एंड वेरिएंस ऑफ जेड क्या रहेगा। अब ये जो क्वेश्चन आपको पूछा है ना, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आपके पास में दो रिजल्ट है, वो दो रिजल्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला रिजल्ट क्या कहता है कि इफ वाई फॉलोज करता हूँ इस टर्म को एंड उसमें से सिग्मा ये पॉजिटिव डिफिनाइट होगा, देन ये वाली जो टर्म है वाई माइनस म्यू डैश सिग्मा इनवर्स वाई माइनस म्यू ये फॉलोज करेगा काय स्क्वेयर ऑफ एन को। मतलब क्या हुआ कि ये जो विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट है मल्टीवेरिएट एनालिसिस में का, ये फॉलोज करता है काय स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन को। और हम सेकंड रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट क्या कहता है कि अगर x फॉलोज करता है इस टर्म को देन x ट्रांसपोज a x फॉलोज करेगा काय स्क्वायर p को, p क्या यहां पे रैंक है, इफ एंड ओनली इफ a इज एडम्पोटेंट, यानी जब आपका a एक एडम्पोटेंट है विथ रैंक p तो x ट्रांसपोज ax क्या फॉलोज करेगा काय स्क्वायर ऑफ p को। यहाँ पे हम डायरेक्टली इस दो रिजल्ट पे से क्या कह सकते हैं कि हमारा जो कंसेप्ट है ये फॉलोज करता है काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को। अब देखो यहाँ पे a है ना, ये एडम्पोटेंट है, तो अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है x डैश सिग्मा इनवर्स ax, ये तो पॉजिटिव डिफिनेट मैट्रिक्स तो है ठीक है, और इसकी रैंक कितनी है k रैंक है। अब यहाँ पे p रैंक थी तो किसे फॉलो कर रहा था, वो काय स्क्वायर ऑफ p को, क्योंकि रैंक कितनी थी आपकी, रैंक थी P, तो काय स्क्वायर P को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे रैंक कितनी है K है, तो इसका मीन कितना होगा, अब जब वो काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है तो इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हुआ P, ठीक है यही इसकी क्या हुई रैंक है ठीक है ना। तो हम जब काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो उसका जो मीन होता है वो किसके बराबर होता है, उसके रैंक के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारा मीन क्या है, देखो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में के के है ठीक है ना, रैंक के होने की वजह से, तो इसमें से कोई एक ऑप्शन है। उसी तरह से अगर काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलोज कर रहा है तो काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है, काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का मीन अगर के है तो उसका वेरियंस कितना होगा 2k ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मीन कितना है के एंड वेरियंस 2k, हेंस हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना ये करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए।